नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल द एग्री बॉयज पर। दोस्तों आज हम देखेंगे गेहूं में फर्टिलाइजर कब और कैसे दें और कितनी मात्रा में दें। दोस्तों गेहूं में यदि आप समय से बुवाई कर रहे हैं तो इसमें NPK की मात्रा 150, 60 और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं, जिसमें नाइट्रोजन दो भागों में दिया जाता है। इसमें पहला हाफ डोज और PK की, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा सोइंग के टाइम पर दें और बाकी नाइट्रोजन का हाफ डोज गेहूं की पहली सिंचाई के बाद दें। दोस्तों गेहूं में सिंचाई करने के बाद ही हमको फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिससे लीचिंग के द्वारा होने वाली हानि से बचा जा सकता है। दोस्तों यदि हम सूखे में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं और बाद में पानी चला रहे हैं तो इसके पानी के द्वारा फर्टिलाइज़र लीचिंग द्वारा गेहूं के जड़ क्षेत्र से बाहर हो जाता है, जिससे हमारा पौधा पर्याप्त फर्टिलाइज़र ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। दोस्तों इसीलिए पहले सिंचाई करें और उसके 24 घंटे के अंदर पर्याप्त नमी होने पर फर्टिलाइज़र दे, जिससे फर्टिलाइज़र घुलनशील होकर पौधे के द्वारा जड़ क्षेत्र में घुल कर पर्याप्त मात्रा में पौधे को प्राप्त हो। दोस्तों यदि आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। साथ ही दोस्तों हमको 20 से 30 क्विंटल कंपोस्ट खाद प्रति एकड़ गेहूँ की फील्ड में खेत की तैयारी करते समय देना चाहिए, जिससे खेत में पानी अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है और फर्टिलाइज़र भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। दोस्तों साथ ही हमको गेहूँ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फर देना चाहिए, जिससे हमारे गेहूं की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथी किसानों को भी सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।